नमस्कार एवरीवन। सो टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट द चैप्टर 4 द स्टोरी ऑफ बुद्ध। सो इन दिस चैप्टर वी हैव सीन अबाउट द टीचिंग्स ऑफ बुद्ध महावीर एंड ऑल अबाउट लाइक वी हैव सीन अबाउट द स्तूपास, हाउ द स्तूपास वर प्रिजर्व, वेदर इट वॉज ऑफ अमरावती, वेदर इट वॉज ऑफ सांची, एंड वी हैव सीन अबाउट द सिंबल जॉग स्टोरीज एंड हाउ द स्कल्पचर्स वर मेड। स्कल्पचर्स कैसे बने और उन स्कल्पचर्स का जो आर्किटेक्चर था, जो आइडल था, वो कैसे प्रेजेंट हुआ। सो लेट्स सी व्हाट वर द सिंबल्स ऑफ वर्शिप। हेजियोग्राफी ऑफ द बुद्ध, हेजियोग्राफी होती है व्हेन वी आर गोइंग टू राइट और टेल अबाउट द स्टोरी ऑफ ग्रेटनेस ऑफ सम पर्सन, दैट इज कॉल्ड हेजियोग्राफी। सो उस पर्टिकुलर हेजियोग्राफी में बताया गया कि जो बुद्ध थे उनकी वर्शिप सिर्फ उनकी इमेज से नहीं हुई। अपार्ट फ्रॉम इमेज दैट हेजियोग्राफी वाज टेलिंग दैट देयर वर सिंबल्स, सिंबल्स क्या थे, एनलाइटमेंट मेडिटेटिंग अंडर ट्री। वो अगर एक ट्री जो है उसके नीचे बैठे हैं तो उस पर्टिकुलर पोस्चर को वर्शिप किया गया। साथ ही अगर कोई एम्प्टी सीट है उस एम्प्टी सीट को भी मेडिटेशन का फॉर्म दिया गया। देन कमिंग टू द वी फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्ध, बुद्धा का फर्स्ट प्रवचन हुआ था, उसको उस वीर से सिंप्लीफाई किया गया कि वो धर्म को बता रहा है, वो बुद्ध धर्म को पर्सोनिफाई कर रहा है। देन कमिंग टू अगर वो सिंपल ट्री है, वो लाइफ ऑफ बुद्ध को बता रहा है। इफ सिंपल ट्री इज प्लेस देयर, दैट ट्री इज टेलिंग अबाउट द लाइफ ऑफ बुद्ध। देन दिस इज स्टोरी शर्मभंजी का, एक स्टोरी है इक्षम्भंजिका की। She was a woman and she was a beautiful woman swimming here and there. तो ऐसी कुछ stories जो आपके book में source बना हुआ है उसमें बताई गई है, उन stories में उस woman का जो way था, कैसे वो रहती थी, उस बारे में clear किया गया। ऐसी stories अलग अलग जातक में हमें देखने को मिली। Now coming to the next thing, जब हम sculpture की बात करते हैं तो sculpture कौन से हैं, sculpture में एनिमल्स की फिगर्स, एनिमल्स कौन सी जो कैरेक्टर है अलग अलग स्टोरीज के, जातक स्टोरीज के कैरेक्टर जो एनिमल है उनकी हम बात करते हैं। दे वर सीन देयर एंड इफ यू विल सी एज आई कोटेड इन अर्लियर एग्जांपल लाइक पेंटिंग्स ऑफ अजंता, अजंता अलोरा में जो पेंटिंग बनी, उन पेंटिंग्स में आप देख सकते हैं दे हैव टोल्ड अबाउट सो मेनी स्टोरीज। कहानियां होती हैं, शेर की कहानी या खरगोश की कहानी या राजा की कहानी, उन कहानियों से वी विल बी एबल टू नो अबाउट द मॉरल। वो कहानियां किसी न किसी मॉरल को कहती है। देन फिगर ऑफ माया, अब और कौन सा फिगर के बारे में, माया जो कि मदर थी बुद्ध की, गॉडेस गजलक्ष्मी जिनकी पूजा हो रही थी, तो महामाया की पूजा हुई, बुद्ध की वर्षिप हुई और गॉडेस गजलक्ष्मी जो लक्ष्मी का ही एक रूप थी उनकी वर्षिप की जाएगी। बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट द सिंबल्स ऑफ वर्शिप की पूजा की भी होती थी। देन न्यू रिलीजियस ट्रेडिशंस, और कई नई रिलीजियस ट्रेडिशंस आई। बुद्ध धर्म जो था दैट वॉज डिवाइडेड इन द टू पार्ट्स, हीनयान एंड महायान। तो न्यू वेज ऑफ थिंकिंग जो न्यू रिलीजियस ट्रेडिशन थे उसमें जो बुद्ध की टीचिंग थी, वो बुद्ध की शिक्षाएं हमें निर्वाण तक पहुंचना, हमें निभाना तक पहुंचना है, हमें सालवेशन तक पहुंचना है, तो टीचिंग्स फॉर अबाउट दैट। एंड अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग, अब नया वे जो सोचने का था, दैट वाज महायान, जो एक अलग पार्ट हुआ, ग्रेट व्हीकल। ग्रेट व्हीकल महायान कहलाया और ओल्ड ट्रेडिशन जो फॉलो कर रहा था वो लेसर व्हीकल या हीनयान कहलाया, इट वॉज कॉल्ड हीनयान। So these were the main two parts of the Buddha religion, Hinayan and the Mahayan. So in such a way we can get the glimpse of the worship of the gods for whom they were worshipping, किसकी worship कर रहे थे। आज we are having so many idols, गणेशा है, बुद्ध है, like कृष्णा है, उन सबकी idol होती है, image होती है, उनकी worship करते हैं। But they are telling कि उस meditating करती हुई image के साथ साथ वो उन सिंबल्स को भी वर्शिप कर रहे थे जो उन बुद्ध की एक आइडेंटिफिकेशन के रूप में पहचान था। वो कौन कौन से थे, वो वीर था, सिंपली
इन पर्टिकुलर गार्डन, ये सोर्स थे। तो ये सोर्स हमें बताते हैं व्हाट सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर्स वर देयर उस समय, किस तरह के जो कैरेक्टर्स थे, किस तरह से वो अपनी लाइफ को रन कर रहे हैं। देन अगर हम स्कल्पचर्स की बात करें, सो इमेजेस वर देयर ऑफ एनिमल्स एंड स्कल्पचर्स ऑफ जातक स्टोरीज। अब उनमें उन जातक स्टोरीज के स्कल्पचर्स मूर्तियां मिली हैं, पेंटिंग्स फ्रॉम अजंता, अजंता की पेंटिंग्स उन स्कल्पचर्स को बताती हैं। अब किन किन की वर्षन हुई, फिगर ऑफ माया मदर ऑफ बुद्धा थी जो गॉडेस गजलक्ष्मी, हु वाज द सिंबल ऑफ लक्ष्मी। न्यू रिलीजियस मिशन साइड क्या हुआ, बुद्धिस्ट टीचिंग थी, दैट वाज द वे फॉर द निर्वाण, निर्वाण द न्यू वेज ऑफ थिंकिंग माया वेट विकर एंड द लेसर विकर दैट वाज कॉल्ड हीनियान। जो पुरानी ट्रेडिशन को बिलीव करते थे वो हीनियान कहलाए, बट जो नई ट्रेडिशन में बिलीव कर रहे थे, उनको मान रहे थे, वो महायान कहलाए। तो दीज वर द थिंग विच वर फोकस द टाइम ऑफ बुद्धा, दीज वर द सिंबल्स ऑफ द वर्शिप, हाउ द वर्शिप वाज गोइंग ऑन। सो नाउ वी आर एट द एंड ऑफ द कंप्लीट चैप्टर, चैप्टर 4। चैप्टर 4 हमें बुद्ध के बारे में बताता है मोस्टली। हमने देखा एक फोर वेज देखे उसने, हमने उसके बाद अपने फोर पॉल्स ऑफ सोरो देखे थे। देन वी स्टडी अबाउट द लाइफ ऑफ बुद्ध एंड द टीचिंग्स ऑफ बुद्ध, टीचिंग्स ऑफ महावीर वी हैव सीन, वी हैव गॉट द नॉलेज अबाउट द स्तूपास, देन प्रिजर्वेशन ऑफ स्तूपास अमरावती सांची, देन वी स्टडी अबाउट द रिलीजियस कल्चर्स हाउ दीज वर प्रिजर्व। सो दीज ऑल आर कंपाइलिंग द चैप्टर, चैप्टर इज गेटिंग इंटरेस्टिंग। सो वंस अगेन आई विल से डू रिवाइज द थिंग्स एंड डू रीड द चैप्टर प्रॉपरली फ्रॉम एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से इस चैप्टर को आप प्रॉपरली रीड करें, समझें, देन यू विल बी एबल टू नो अबाउट द फैक्ट्स ऑफ द बुद्धा साइड। क्वेश्चन कैन कम इन एनी फॉर्म, बुद्ध के दो रथ के दो पार्ट कौन से हुए, महायान, महायान क्या था, महायान विकल था, हीनयान विकल था, एंड हेजियोग्राफी क्या होती है, स्टोरी ऑफ द संतास रिलेटेड पर्सन दैट इज कॉल्ड हेजियोग्राफी। बुद्ध की भी वही हुई, फिर हमने देखा जो वर्शिप हो रही थी कि वर्शिप थी वो आइडल्स की ना होके जो सिंबल्स थे उनकी वर्शिप थी, में गजलक्ष्मी वाज देयर, माया बुद्धा मदर, दिस वर गोइंग टू बी वर्शिप। सो दिस वाज द पार्ट वन ऑफ हिस्ट्री ऑफ दिस की, पार्ट वन की बुक में दीज फोर चैप्टर्स आर देयर। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल हैव few other stories about the Mughal Empire and the empires also. That is also very interesting. वो भी बहुत interesting है. So meanwhile, I will send you about these religions to your WhatsApp group and ultimately I will send some questions regarding the topic. So you need to solve the questions in your notebook. Do revise the things and open the link for the CBSE questions, CBSE My Guide. That will tell you about the form of questions. कैसे क्वेश्चन बनते हैं उसका आइडिया होगा. So that's all for today. Do revise things.